यानी आपको लगता है कि गुंडा राज अभी भी हो रहा है? पहले भी था, अभी है, कोई कोई कहानी नहीं। अब तो ये है कि 4 रुपए कमाओ और 4 जो है ना मैं आधे दर दे दो, आधे दर दे दो, फिर राशन ले लाइन में लग के। हाँ। भाई ये जो है ना हमें जा रहा राशन दे रहा फ्री में, क्यों मोहताज तो करते है वो दुनिया को। नमस्कार, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार, क्या लगता है 2022 का कैसा माहौल है, किसकी तरफ जनता जाने वाली है? सपा और जयंत की कहल जाएगी। सपा और जयंत, क्या बात है, सारे समर्थक सपा और जयंत के ही है क्या? क्या प्लानिंग बना रखी है बुढ़ारा के लोगों ने? जो बनाते हैं जिन काम ही नहीं दे रहे कुछ, उनकी कहल तो नहीं जाना पड़ेगा। मजूरी कहा गया, मैं किसान हूँ, आज में पेमेंट दिया, झूठ बोल रहा है पेमेंट कर दिया, किसका कर दिया? हाँ, आज तक नहीं, ये रामीन जाकर पूछ कर दिया इन्हें। हाँ, आज तक कोई पेमेंट ही नहीं इसका, हर रोज साहब हमें कहते हैं क्लियर हो गया पेमेंट, सब क्लियर हो गया इनका तो। बताइए और कहाँ जाएंगे, जो हमारे लिए काम कर रहा है उसके साथ जाएंगे। उधर गठबंधन हो चुका है लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार तो सबसे ज्यादा सीटें लेके जाएंगे। वो करो जाओ दावा, वो तो पब्लिक बताओगे ना कौन सीट ज्यादा लेगा। बोल रहे हैं कि गरीब लोगों को राशन दिया है, कोरोना में वैक्सीन फ्री लगी है, रोड बना दिए। राशन तो हमारा ही है, मार से ले हमें दे रहा, हमें मार से ठग रहा, पिंगा डीजल पेट्रोल में ले ले। हाँ। डीजल पेट्रोल में निकले रे मारता है, फिर हमारा ले रखा, हम हमें दे रहे, आपसे लिया हुआ है और आपको ही दे रहे हैं, और मार से ले रखा ले नहीं रे। डीजल किसान है, डीजल लेके जाओ, पेट्रोल लेके जाओ, उसमें काट रहे वो हमने घर से दे रहा कोई हमें, बताओ वो अपने घर से बांट रहे हो, हमें अपनी जेब से काट के दे दिया उन्होंने, हमारी जेब का हमें भी मिल रहा, फिर एहसान का हक बांट दिया, हर जगह कहते बार बार हक बांट दिया, हमारा राशन बांट रहे कोरोना में, नमान तो बंद कर लो अपने को। हाँ, बंद कर देना चाहिए, और बंद कर लो अपने को, अगले सरकार जी। अगले सरकार में क्या कुछ काम बढ़िया हुए, क्या काम? अगले अच्छा सारा काम अच्छा करा जी, रोजगार दिए लोगों को, नौकरी दी, वैकेंसी दिए, इन्हें सारे लड़के देख ले रहे रिक्शा चला रहे, बीएम में करो फिर लड़के, कुछ भी नहीं दिया क्या दिया बेचारे, रिक्शा चला रहे, कुछ बच्चे पाले, हम लोग गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश के आदम में सभी लगे हुए थे क्या? हाँ जी, लगे हुए, या फिर बीजेपी के आते ही सब रिक्शा चलाने लगे? चला रहे हैं, यहाँ कुछ भी कर रहा है, जब रोजगार ही नहीं है, चाहे कोई बाल काट रहा है, नईयों की दुकान पे लग रहा है, बच्चे रहे पढ़े लिखे सारे धक्के खाते फिर, कुछ भी नहीं है सरकार में। अभी आपने बोला कि राम मंदिर का मुद्दा उठाया आपने, है ना, और जो धारा बताई आपने वो भी हटाई, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि जो बीजेपी है अब की बार क्या कर रही है, जातिवाद ना करके, और सबसे ज्यादा जो रोजगार मिला है वो मुस्लिम लोगों को मिला है, आवास योजना के तहत जो मकान मिले वो मुस्लिम लोगों को ज्यादा मिले हैं, बोल रहे हैं कि जातिवाद कर मिला मुस्लिम, पता क्या दिया मुस्लिम, कुछ भी नहीं दिया सरकार में, मुस्लिम परेशान है, पता कौन नहीं परेशानी सरकार, और कोई परेशानी सरकार में, सभी परेशान है सरकार में, मोहम्मद सोया ज्यादा परेशान नजर आ रहे। नहीं, मुझे क्या परेशानी, मैं तो कर रहा खा रहा है भाई, थोड़ा सा जहाँ इतना दुकानदारी हमारी 5-7 हज़ार वहाँ 2-3 हज़ार की हो रही। और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज, इस वक्त उत्तर प्रदेश में हूँ, उत्तर प्रदेश के पीछे भी मैं वीडियो करके आई थी, बुढ़ाना के अंदर मौजूद है अमी, और ये जो चौक है ये है महावीर चौक, आइए यहाँ के लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि 2022 का चुनावी माहौल किस तरह का है और यहाँ की जनता किसको चाहती है। नमस्कार भैया जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सोएब। मोहम्मद सोएब जी, क्या लगता है 2022 में कौन सी सरकार आने वाली है? अखिलेश जी की गठबंधन के साथ, गठबंधन आने वाला है, क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार में कुछ काम बढ़िया हुए या नहीं हुए? कुछ भी नहीं हुआ जी। नहीं हुए क्या? बिल्कुल भी नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, नहीं राम मंदिर 370 मंदिर मस्जिद का मुद्दा रहेगा, कुछ अभी घंटे रोजगार दिया कुछ भी। अच्छा, ये मुद्दे रह गए, ये मुद्दे इनके पास, वो क्या है, अब चुनाव टाइम आज पाकिस्तान याद आए, 370 याद आ रहे, राम मंदिर याद आ रहा है, मस्जिद याद आ रही है, मस्जिद मंदिर खाने को देगा ना। तो क्या क्या लगता है कि कौन सी सरकार में काम बढ़िया हुए? अगले सरकार जी, अगले सरकार में क्या कुछ काम बढ़िया हुए, क्या काम? अगले ने अच्छा सारा काम अच्छा करा जी, रोजगार दिए लोगों को, नौकरी दी, वैकेंसी दिए, इन्हें सारे लड़के देख ले रहे रिक्शा चला रहे, बीएम में करो फिर लड़के, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, क्या दिया बेचारे। हाँ। रिक्शा चला रहे, कुछ बच्चे पाले, हम लोग गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश के आदम में सभी लगे हुए थे क्या? हाँ जी, लगे हुए, या फिर बीजेपी के आते ही सब रिक्शा चलाने लगे? चला रहे, यहाँ कुछ भी कर रहा है, जब रोजगार ही नहीं है, चाहे कोई बाल काट रहा है, नईयों की दुकान पे लग रहा है, बच्चे रहे पढ़े लिखे सारे धक्के खाते फिर, कुछ भी नहीं है सरकार में। अभी आपने बोला कि राम मंदिर का मुद्दा उठाया आपने, है ना, और जो धारा बताई आपने वो भी हटाई,
लेकिन लोग बोल रहे हैं कि जो बीजेपी है अब की बार क्या कर रही है जातिवाद ना करके, और सबसे ज्यादा जो रोजगार मिला है वो मुस्लिम लोगों को मिला है, आवास योजना के तहत जो मकान मिले वो मुस्लिम लोगों को ज्यादा मिले हैं। बोल रहे हैं कि जातिवाद कुछ भी दिया सरकार में, सबसे मुस्लिम परेशान है, पता कौन नहीं परेशानी सरकार, और कोई परेशानी सरकार में, सभी परेशान है सरकार में, मोहम्मद सोया ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं मुझे क्या परेशानी, मतलब कर रहा सारा ही थोड़ा सा, जहाँ इतने दुकानदारी हमारी 5-7 हज़ार वहाँ 2-3 हज़ार की हो रही है, लॉकडाउन लगा हुआ लोगों को नाश कर दिया उन्होंने, तो कुछ विकास कार्य ही नहीं हुए क्या हमारे यहाँ? कुछ भी नहीं हो रहा हमारे यहाँ विकास कार्य, हमारे यहाँ के विधायक उम्मीद से मिल गया कुछ भी नहीं कर रहा उन्होंने, भटकाव अभियान किसको देख कर भी वोट देने वाले इस बार? हम तो अखिलेश सरकार को वोट देंगे, गठबंधन को वोट देगा, जयंत चौधरी अखिलेश जी को। क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि ये काम होने चाहिए इनके आने से? हमारे यहाँ उम्मीद है काफी, जब पब्लिक साथ दे रही इनका पूरा, काम पूछ रही मैं जैसे काम क्या लगता है कि कुछ विकास कार्य या रोजगार के मामले को देखकर? तो रोजगार और विकास में उसी अखिलेश को वोट देगा, कुछ गठबंधन को वोट देगा, हम तो अखिलेश को जीत जाता हूँ, जीत चौधरी को। मोहम्मद सोएब जी है अखिलेश यादव के साथ है, गठबंधन के साथ है, अब और भी जनता है यहाँ पर, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि ये किसको चाहते हैं। हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान जी। अच्छा मोहम्मद इरफान जी, क्या लगता है 2022 का चुनावी माहौल क्या है? अखिलेश सरकार आओगी जी? अखिलेश सरकार आएगी, क्यों आएगी अखिलेश सरकार? नहीं आओगी जी, अच्छे काम करा, अच्छा विकास करा, नहीं आओगी जी। बीजेपी में अच्छे काम नहीं हुए? कुछ नहीं काम हुआ जी, सब बेरोजगार फिरे, परेशान होते फिरे नहीं। अच्छा बहुत परेशान है, जो लड़के बाहर काम कर रहे थे वे लॉकडाउन में फजा फजा का उन्हें बेचारा गाँव में गिर दिया, कहीं जा नहीं सकते, जहाँ परमानेंट की कर रहे थे वन तब अपने घर आ लिए। और बताओ जी क्या नहीं लगता? चलो मोहम्मद इरफान को भी नहीं लगता कि विकास कार्य। इधर हमारे सामने नमस्कार अंकल जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार, क्या लगता है 2022 का कैसा माहौल है, किसकी तरफ जनता जाने वाली है? सपा और जयंत की कहल जाएगी। सपा और जयंत, क्या बात है, सारे समर्थक सपा और जयंत के ही है क्या? क्या प्लानिंग बना रखी है पुराना के लोग? प्लानिंग क्यों बनाते हैं, जब काम ही नहीं दे रहे कुछ, उनकी कहल तो नहीं जाना पड़ेगा मजबूरी। मैं किसान हूँ, आज जो पेमेंट दिया झूठ बोल रहे, आज यहाँ हर सब हमें पेमेंट कर दिया, किसका कर दिया? हाँ आज तक नहीं, ये रामीन जाकर पूछ कर कहते कर दिया इन्हें। अच्छा हाँ, आज तक कोई पेमेंट ही नहीं इसका, हर रोज सब हमें कहते हैं क्लियर हो गया पेमेंट, सब क्लियर हो गया इनका, तो बताइए और कहाँ जाएंगे, जो हमारे लिए काम कर रहा है उसके साथ जाएंगे। उधर गठबंधन हो चुका है लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार तो सबसे ज्यादा सीटें लेके जाएंगे। वो करूँ जाओ दावा, वो तो पब्लिक बताओगी ना कौन सीट ज्यादा लेगा। बोल रहे हैं कि गरीब लोगों को राशन दिया है, कोरोना में वैक्सीन फ्री लगी है, रोड बना दिए। राशन तो हमारा ही है, मार से ले, हमें दे रहा, हमें मार से ठग रहा, इनका डीजल पेट्रोल में ले ले। हाँ। डीजल पेट्रोल में निकले रहे मारता है, हमारा ले रखा, हम हमें दे रहे, आपसे लिया हुआ है और आपको ही दे रहे हैं, और मार से ले रखा, बिल्ले नहीं रहे, डीजल किसान है, डीजल लेके जाओ, पेट्रोल लेके जाओ, उसमें काट ले, वो हमने घर से दे रहा कोई हमें, बताओ वो अपने घर से बांट रहे हो, हमें अपनी जेब से काट के दे दिया उन्होंने, हमारी जेब का हमें भी मिल रहा, फिर एहसान का हक बांट दिया, और जब कहते बार बार हक बांट दिया, हमारा राशन बांट रहे कोरोना में, नमान तो बंद कर लो अपने को। हाँ बंद कर देना चाहिए, और बंद कर लो अपने को, राशन कही कहा चुनाव आ रहे तो सरकार बंद कर लो, 7-8 आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, पहले बोला जाता की अखिलेश यादव के शासन में गुंडा राज काफी ज्यादा होता था, अकेला बंदा जाते टाइम डरता था, उसके पैसे भी छीन लिए जाते थे, इस बात में कितनी सच्चाई है? हमें तो कोई सच्चाई लग नहीं रही, अब भी वही काम है, अब भी लूट रहे, अब भी मर्डर हो रहे, कौन सा काम कम हो अब भी बताओ? हाँ क्यों नहीं लूटते? लेकिन बोला तो जाता है कि गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो चुका है, पता नहीं हो गया होगा, कहाँ हुआ हमें तो पता नहीं, कोई सैंधन हो जाता है, कोई छिपके हो जाता है। क्या बोल रहे हैं? कोई सैंधन हो जाता है, कोई छिपके हो जाता है, काम बराबर हो रहे हैं, किसी चीज में कोई कमी नहीं है। यानी आपको लगता है कि गुंडा राज अभी भी हो रहा है? अभी है, पहले भी था, अभी है, कोई कोई कहानी नहीं, अब तो ये है कि 4 रुपए कमाओ और 4 जो है ना मैं आधे दर दे दो, आधे दर दे दो, फिर राशन ले लाइन में लग के। हाँ। भाई ये जो है ना हमें जा रहा है राशन दे रहा फ्री में, क्यों मोहताज तो करते है वो दुनिया को,
फिर तो राशन ही मांगेगी, क्या करेगी? और राशन मिला तो राशन को देख के जनता वोट देगी क्या इस बार? जनता क्यों देगी? और जनता को देना ही है, कोई अच्छाई में ले जाओगे बुराई में ले जाओ, तो क्या देखकर जनता वोट देने वाली है इस बार? जनता को तो बाद में कुछ भी नहीं मिलता, ये रोड मिलता है चलने को। रोड तो बोल रहे की बीजेपी दावा कर रही है, तो रोड तो बीजेपी बना रही है। मिलता है कुछ नहीं मिलता जनता को। अब जब तक करते हैं, देखो जी हमारा ख्याल लगना, हमारा ख्याल लगना, और बाद में अरे चल हम भागे बाबू जी हमारी तो सुन लो। अच्छा ये हो रहा है, सबको पता है ये, पहले सभी ये चीज सबको पता है, तुम इसे करो ना करो ये सबको पता है। हाँ। हम कहेंगे जी तुम्हारे पास आए, अरे ना कह दो अभी नाश्ता कर रहे हैं बाबू जी, थोड़ी देर में आना, ये होता है बात। तो किस तरफ जाने वाली है जनता इस बात में? किस सरकार में काम बढ़िया हुआ है? चलिए बीजेपी, मैं मानती हूँ इस टाइम हर चीज अच्छी लगती है। हाँ। जब आता है कोई मतलब तो अच्छी लगती है, और जब हो जाते हैं ना तो सब बुरा लगता है, क्योंकि उसमें कोई इंसाफ ही नहीं मिलता। नाराज किस चीज से? ये तो बताइए। नाराज तो किसी की भी नहीं है, ना बीजेपी की है ना इसकी इसकी है ना किसी की भी नहीं है, पब्लिक तो बीच में पिसती है बस। तो काम तो हुए होंगे किसी सरकार काम में? तो सभी करते हैं, सरकार इतना पैसा कहाँ ले जाएगी, वो सरकार के लिए तो लगाएगी उसे भाई, पूरा पैसा मिलता है तो कहाँ जाएगा, वो कहीं ना कहीं तो लगाएगा ना। हाँ जी मैं पूछ रही हूँ किस सरकार में काम बढ़िया हुए हैं? भाई सरकार में तो बराबर ही होता है, कोई बढ़िया ना घटिया, काम किसी का ये नहीं आता कि हाँ हमारे सामने ये बात आ गई कि हाँ इसने अच्छा करा, कहीं ना कहीं घपला कर देते हैं। हाँ। चार काम अच्छे करते हैं तो चार बुरे करते हैं, चार काम अच्छे होते हैं तो चार बुरे होते हैं, उससे अलग और कुछ नहीं होता, किसी का कोई इंसाफ नहीं होता, क्या होता है बताओ, कोई हुआ आज तक? अब अगले से अच्छा कर रही है, अब मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, अब कुछ वो अच्छा कर रहे हैं, पब्लिक को लेकर और अर्जे छूते बता देते हैं बस, बस ये होता है, सब बेकार है, कोई फायदा नहीं। चलिए और भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार आंटी, बस आप नहीं करोगे बात? चलिए और भी है। नमस्कार अंकल जी। ये नमस्कार। नमस्ते, क्या नाम है आपका? इम्तियाज। इम्तियाज, इम्तियाज क्या लगता है 2022 में जनता क्या चाहती है? जनता रिपीट चाहती है। हाँ बढ़िया चाह रही है, बस जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। बढ़िया तो चाह रही है, किसको चाह रही है ये बताइए? मोदी को ही चाह रहे हैं सब। मोदी हाँ, ये मोदी तो बोल रहे हैं कि अब की बार आरएलडी और अखिलेश यादव आएंगे। हाँ तो आने तो क्या बात है, आएंगे जो उन्हें उनकी किस्मत का उन्हें मिलेगा, बाकी तो उन्हीं की सरकार आ गई। क्या लगता है कि बीजेपी में कुछ कार्य बढ़िया हुए हैं या नहीं हुए? बस ये तो नहीं पता भाई, जिसे बढ़िया ही हो रहा है तो सब। आप बोल रहे हैं बीजेपी आएगी तो कुछ काम तो बढ़िया लगे होंगे आपको? बढ़िया लगे, काम तो बढ़िया हो रहे हैं सारे। क्या काम बढ़िया लगे सारे? थोड़ी योजनाएं बढ़िया आ रही, योजनाएं आ रही है, उसके अलावा? हाँ उसके अलावा कुछ नहीं, बस हमारे बस का कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं बोलना नहीं चाह रहे खुल के, ऐसा कुछ नहीं। क्या बोल रहे हैं भैया? चलिए और भी लोग हैं यहाँ पे, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार अंकल। अच्छा नाम बता दीजिए, कुछ नहीं पूछती। मेरा नाम मोबिन है। मोबिन, मोबिन नाम है। क्या लगता है कि सरकार में काम बढ़िया हुए हैं? देखो हमें तो पता नहीं सरकार प्रकार का, हमें तो मजदूरी करनी है और खानी, मजदूरी करनी है सरकार का तो पता होगा। वोट तो देते होंगे किसी को? नहीं वोट तो जो भी सरकार बनती है दिखाई दे उसे दे दे। अच्छा जिसकी तरफ पलड़ा भारी उसी की तरफ चले जाते हैं, चले जाते हैं। तो पलड़ा भारी किसका लग रहा है? पलड़ा भारी तो अभी किसी का भी नहीं लग रहा, फिर भी कुछ उम्मीद तो लग रही होगी कि हाँ ये जीत सकता है, ये हार सकता है, उम्मीद तो लग रही होगी कि किसके जीतने की उम्मीद है? जीतने की उम्मीद तो है भाई, सपा भी हो सके, ये भी हो सके, भाजपा भी, इनका ही दोनों का पलड़ा भारी है। इन दोनों का पलड़ा भारी है, तो आप किसके साथ जाने वाले हैं? हम तो सपा के साथ हैं। सपा के साथ है।